एपिसोड स्टार्ट होता है और जैसे ही हमें इंटरव्यू में दिखता है, जैसे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में इंटरव्यू कर रहा होता है, उसे सेल्स पोजीशन के लिए जॉब चाहिए होता है, पर वो जो इंटरव्यू उसका ले रहा होता है वो उसे बोलता है कि एक एडवर्टाइजिंग जैसा जॉब है, तो वो कर्टन ओपन करता है और उसे एक जोकर जैसा एक आदमी दिखाता है, तुम्हें ये जॉब करना पड़ेगा। जैसे वहाँ से निकल जाता है, जैसे जब वहाँ से निकल जा रहा होता है तो वो जोकर जैसा आदमी उसके पीछे भागता है। वो उसका एक फ्रेंड होता है, उसका नाम बैजर होता है। तो एक दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में बात करते हैं। बैजर उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी मैथ कुक कर रहा है। जैसे उसको बताता है कि मेरा प्रीवियस पार्टनर अब ये काम नहीं कर रहा, तो मैंने ये छोड़ दिया है और वो सूडो भी मुझे अभी नहीं मिल पा रहा। सूडो एक मटेरियल होता है जो उनको लगता है मैथ बनाने के लिए। तो बैजर उसको बोलता है अगर तुम्हें सुडो की प्रॉब्लम होगी तो मैं बहुत सारा अवेलेबल करके दे सकता हूँ, हम पार्टनर अप भी कर सकते हैं। बैजर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसका ब्रेक पीरियड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर और स्काइलर एक फ्रेंड के बर्थडे पर जा रहे होते। वॉल्टर वहाँ जाने पर कतराता है, वो जो अपने फ्रेंड के लिए जो गिफ्ट लेता है वो भी उसे उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि ये अच्छा गिफ्ट है भी या नहीं, तो वॉल्टर उसे लेकर भी ज़रा परेशान रहता है। वहाँ जाकर वो बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देखता है और उसका छोटा सा गिफ्ट वो देखकर ज़रा हेसिटेट करता है। उसका फ्रेंड इलियट और उसकी वाइफ ग्रेचन उन दोनों को वेलकम करते हैं। ग्रेचन वही लड़की है जो वॉल्टर के एज यंग सीन में हमें दिखाई गई थी सेकंड एपिसोड में, जब वो बॉडी एलिमेंट्स ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा होता है। वॉल्टर का फ्रेंड अब अच्छा सा एक साइंटिस्ट बन चुका होता है, तो वो वॉल्टर जब उसके घर में जाता है तो वो सब उसकी चीज़ें देखने लगता है। वॉल्टर जब बाहर फिर से पार्टी में आता है तब एलियट के कलीग्स वॉल्टर को फिर से बुला लेते हैं और उनके ग्रुप में वो डिस्कस करते हैं कि वॉल्टर कितना ब्रिलियंट था। यह हमें पता चलता है कि एलियट और वॉल्टर दोनों साथ काम करते थे और वॉल्टर भी एक साइंटिस्ट हुआ करता था। अब वो सिर्फ एक स्कूल टीचर है तो उसे ज़रा गिल्टी महसूस होता है उस क्राउड में। पार्टी में नेक्स्ट इवेंट होता है कि जिसमें इलियट सब गिफ्ट्स को खोल रहा होता है, तभी उसे वॉल्टर का गिफ्ट मिल जाता है और वो जब उसे ओपन करता है तो उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि उन्होंने वही एक प्रेटजल्स या कुछ होता है उसका पैकेट वॉल्टर ने उसे गिफ्ट दिया होता रहता है। तो वो जो गिफ्ट होता है वो उसको अपने कॉलेज डेज की याद दिला देता है, वो जब रूममेट थे और उस पर ही गुजारा करते थे। वो आकर वॉल्टर को गले लगा लेता है। फिर इलियट और वॉल्टर काउच पे बैठकर गप्पे मारते दिखते हैं। जब उनको थोड़ी देर हो जाती है बात करते करते, तब इलियट वॉल्टर को एक ऑफर देता है। इलियट बोलता है कि आओ हम मेरी कंपनी में आकर तुम कुछ काम कर सकते हो, और फिर बोलते बोलते ये भी बोल जाता है कि हमारा हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छा है। तब वॉल्टर को पता चल जाता है कि स्काइलर ने कुछ इलियट को बता दिया और इसलिए इलियट एक चैरिटी कर रहा है और उसको एक जॉब दे रहा है। वॉल्टर इस पर गुस्सा हो जाता है और वो पार्टी से निकल जाता है। वॉल्टर और स्काइलर के बीच में थोड़ी सी फाइट भी हो जाती है। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट पे वॉल्टर वॉल्टर जूनियर से तो बात करता है पर वो स्काइलर से बात नहीं करता, उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं होता। नेक्स्ट सीन में जेसी बैजर को बुला रहता है मैथ कुक करने के लिए। बैजर जब वैन में आता है तो वो सरप्राइज्ड हो जाता है कि बहुत अच्छा सेटअप जैसे ने बनाया है। बैजर सब वो सूडो लाता है अपनी बैग में। बैजर जब फ्लैश के बारे में पूछता है तब जेसी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सब पॉट्स के नाम लेता है। जेसी अब बहुत साइंटिफिक तरीके से फिर से मैथ कुक करना चाहता है, तो वो निकल पड़ते हैं डेजर्ट को। डेजर्ट में जब वो आते हैं तो वो बैच कुक करना स्टार्ट कर देते। जब जेसी और वॉल्टर कुक कर रहे थे तब जेसी जैसा केयरफ्री था वैसा ही बैजर भी ज़रा केयरफ्री होता है, केयरलेस होता है। पूरा दिन उनको लग जाता है वो मैथ कुक करने के लिए। जब मॉर्निंग में मैथ कुक हो जाता है और जैसे उसे देखता है तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होता, पर बैजर को बहुत ही बढ़िया लगता है वो मैथ। जैसे उसे उठाकर बाहर फेंक देता। जैसे को कस्टमर को कोई बैड क्वालिटी नहीं देनी होती। नेक्स्ट हमें दिखता है वॉल्टर जूनियर अपने दो फ्रेंड्स के साथ एक शॉप के बाहर। उन्हें उस शॉप से बियर चाहिए होती है और वो किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहे होते हैं जो जिसके पास आईडी हो और वो 21 पर्स हो, जिससे वो पैसे देकर बियर खरीद सके। उसके फ्रेंड्स वॉल्टर जूनियर को भेजते हैं क्योंकि उसके पास क्लचेस होते हैं और कोई उसके रहम खाकर उसे बियर दे देगा। तो जब एक आदमी को वो पूछता है तो वो एक पुलिस ऑफिसर निकल जाता है। वो पुलिस ऑफिसर वॉल्टर जूनियर को अपने डैड को कॉल करने को बोलता है, पर वॉल्टर जूनियर हैंक को कॉल करता है।
हैंक उसे बोलता है कि तुम्हारे डैड को कैसा लगेगा कि तुमने मुझे कॉल किया, उनको नहीं। हैंक उसको घर ले आता है। जब हैंक उसे घर लाता है तब मरी स्काइलर के पास ही बैठी हुई। हैंक स्काइलर को समझाने की कोशिश करता है कि इस उम्र में बच्चे ऐसा करते ही हैं। प्लीज़ ये सब वॉल्टर को मत बताना। वॉल्टर को कैंसर है इसलिए वॉल्टर जूनियर ज़रा परेशान है और इसलिए वो वीड, ये बियर, ये सब चीज़ें कर रहा है। फिर स्काइलर उसे सरप्राइज होकर बोलती है कि वीड तो वॉल्टर जूनियर ने नहीं किया था, वॉल्टर कर रहा था। वॉल्टर ने एडमिट भी किया था कि उसे वो अच्छा लगता है। फिर स्काइलर उनसे बोलती है कि हमें वॉल्टर को ज़रा समझाना चाहिए। जब मॉर्निंग में वॉल्टर घर आता है तब सब वहाँ बैठे हुए रहते हैं। वो सीन वही कट हो जाए और नेक्स्ट सीन जैसे और एक जो बैच कुक करता है वो उसे चेक कर रहा होता है। वो उसे चेक करता है और फिर से डिसअपॉइंट, और वो फिर से उसे लगता है कि क्लाउडी, और वो बैच फेंकने ही वाला होता है। तभी बैजर उसे रोकने की कोशिश करता है और बैजर और जेसी में फाइट हो जाती है। जेसी बैजर को वैन से निकाल देता है और वैन ड्राइव कर ले बैजर को वही डेजर्ट में छोड़कर। हम फिर से वॉल्टर पर आ जाते हैं। वॉल्टर को सब समझाने वाले तो स्काइलर वॉल्टर की उसे ये नहीं ट्रीटमेंट की जरूरत है और ये सब खर्चा भी इलियट दे रहा है, तुम्हें ये पेंट कर लेनी चाहिए। और फिर एक हैंक उसे समझाता है अपने अटपट अंदाज में कि अगर ये फ्री में हो रही है तो ले लेना चाहिए, इसमें प्राइड या अपनी डिग्निटी इस चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। वॉल्टर जूनियर उसे समझाता है कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, ये साल मेरे लिए बहुत ही हार्ड था पर फिर भी मैं गिव अप नहीं कर रहा। तुमने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया, कभी भी ऐसा गिव अप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मरी की बारी आती है। मरी एक प्रोफेशनलिस्ट होती है और वो नर्स होती है, तो वो बहुत सारे पेशेंट्स वॉल्टर की तरह देखते हैं। और वो बोलती है कि वॉल्टर जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो जो कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट लेने से मना करते थे पर फैमिली प्रेशर में आकर उन्हें हॉस्पिटल में होना पड़ता है, उनकी लाइफ बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो इसलिए वो बोलती है कि वॉल्टर को जो डिसीजन लेना है वो ले सकता है, किसी का भी प्रेशर उसे नहीं लेना चाहिए। इस पर स्काइलर और मरी फिर से झगड़ा करने लग जाते हैं। वॉल्टर उन दोनों को शांत करता है और फिर वॉल्टर अपने बारे में बोलने लगता है। वॉल्टर बोलता है कि मेरे लाइफ में मैंने कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ली और अब भी मुझे लग रहा है कि मेरे लिए सब डिसीजन ले रहे हैं। मुझे सिर्फ जीना नहीं है, मुझे मेरे घर पे रहना है, मुझे जो मैं काम करता हूँ वही काम करने हैं और मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। सिर्फ जीना जीना नहीं हो, अगर मैं बेड पर पड़ा रहूँ और मेरी बीवी को मेरा सब डर्ट साफ करना पड़े तो ऐसे जीने का क्या मतलब। ये सब वॉल्टर बोलता है। अब यहाँ स्काइलर और वॉल्टर में एक कन्फ्लिक्ट हो गई है और उनका फाइट भी चल रहा था एक दिन से। तो जब नेक्स्ट दिन वॉल्टर उठता है और बेड पर स्काइलर, तो उसे डिफरेंट महसूस होता है और वो स्काइलर के पास जाकर बोलता है कि चलो ट्रीटमेंट, उसे अपनी वाइफ दुखी देखी नहीं। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होते, उसका उनका इंश्योरेंस नहीं आने वाला होता है तो स्काइलर वॉल्टर को बोलती है कि वो डायरेक्टली चेक एक्सेप्ट हो सकते हैं हॉस्पिटल में। स्काइलर उसे बोलती है कि एलियट से हमें चेक लाना पड़ेगा, तो वॉल्टर बोलता है कि मैं वो देख लूँ। नेक्स्ट सीन में जब वॉल्टर गाड़ी में बैठा हुआ होता है तभी उसको ग्लेचन का कॉल आता है। उसे इलियट से पता चलता है, इलियट मतलब उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड से उसे पता चलता है कि वॉल्टर कैंसर है। तो वो बोलती है कि जो पैसे हम तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए देने वाले हैं वो तुम्हारे ही है क्योंकि हमारी कंपनी में भी नाम तुम्हारे ही है। वो उस वॉल्टर को बोलती है कि जो पैसे हम वो तुम्हारे ही है, जो हमारे कंपनी में जो नाम है वो भी तुम्हारा ही है, हम जो भी है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम हम दोनों की वजह से पैसे नहीं ले, मतलब वो वॉल्टर और उसके रिलेशन को इन्फर करती है। वॉल्टर इनकार करके थैंक यू बोलकर फोन रख देता है। वॉल्टर जेसी के घर पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि क्या कुक करे। तो यहाँ एपिसोड 5th एंड हो और एक फीलिंग आती है कि अब ब्रेकिंग बैड में एक फन स्टार्ट होने वाला।